नमस्कार दोस्तों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से आज जो भी लेटेस्ट अपडेट है, नोटिस है, हम आप सभी के सामने शेयर करेंगे। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो को पूरे तरीके से देखें। साथ ही बहुत से दोस्त लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो थोड़ा इम्प्रेस जो है वो घटता है, इसलिए आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है लाइक करना ना भूलें, लाइक में कंजूसी ना करें और वीडियो को पूरे तरीके से देखें। तो चलिए दोस्तों, हम आप सभी के सामने पेपर कटिंग के साथ साथ ऑफिशियल नोटिस भी शेयर करते हैं, तो बने रहे वीडियो पे। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, कंसेप्ट हो, बोर्ड हो, जेई नीट हो, पढ़ाई में किसी भी प्रकार का डाउट हो, उसका सलूशन है फिलो ऐप। जो भी डाउट आ रहा है, सबसे पहले उसका तीन स्टेप में सलूशन ले सकते हैं। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले से या ऐप स्टोर से फिलो ऐप। डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना होगा। उसके बाद उस क्वेश्चन का फोटो खींच लेना है या लिख लेना है टाइप करके। 60 सेकेंड में आपका जो इसका सलूशन मिल जाएगा लाइव क्लास के साथ। इस कोड को यूज कीजिएगा तो 10% का छूट मिलेगा और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक मेरिट लिस्ट आया है जो कि हम आप सभी के सामने शेयर कर देते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी एक मेरिट लिस्ट जारी किया गया और ये दूसरे वाले वीडियो में भी मेरिट लिस्ट जारी किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के तरफ से जो है स्पोर्ट गेमिंग में एडमिशन कराने के लिए आवेदन किए थे, उन सभी का जो है मेरिट देख सकते हैं आ चुका है। और इसको हम अच्छे तरीके से आपके सामने दिखा देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि ये फेक है। और बता दें दोस्तों कि इसमें अगर आपका नाम है तो आप बिल्कुल आसान तरीके से एडमिशन करा पाएंगे। कब, यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज का नाम भी दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे कोर्स का भी नाम दिया गया है। तो आपको यहाँ पे देखना और कटअप भी देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे कटअप भी है, हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं अच्छे तरीके से। इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे दोस्त लोग का आया है, तो आप लोग अच्छे से इस को जो है ध्यानपूर्वक देख लें। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे देख सकते हैं, 12वीं में प्रमोटेड विद्यार्थी 27 तक पंजीकरण करेंगे। ये रहा दोस्तों आज का, आज से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया यानी कि। और देख सकते हैं यूजी में दूसरी ओपन मेरिट लिस्ट के लिए 27 तक आवेदन होंगे, यानी कि दूसरी ओपन मेरिट लिस्ट जो जारी होगा, आपको पता है कब होगा जारी, तो उसके लिए आवेदन अभी चल रहा है। और जैसे आवेदन समाप्त होगा उसके बाद आपका दूसरी ओपन मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे तरीके से पेपर कटिंग में लिखा पड़ा है और यहाँ पे देख सकते हैं खेल ट्रायल का रिजल्ट भी जारी किया गया है, आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। हम ज़्यादा समय आप सभी के सामने नहीं शेयर करने वाले हैं, बस आपको अगर आपको इसको अच्छे से रीड करना है तो वीडियो को पॉज करके अपना जो है इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये रहा दोस्तों दूसरा पेपर कटिंग। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेपर कटिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेपर कटिंग आप सभी के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, CCUSU कैंपस के द्वारा कॉलेजों में PG कोर्स में पहले मेरिटेड प्रकाशित सोमवार के अंतिम दिन है, यानी कि आज हो सकता है अंतिम दिन है, 100% है। और यहाँ पे विभिन्न दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करेगा, वही 5 वर्षीय LLB BCOM के लिए जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का अंतिम तिथि सोमवार की है, यानी कि आज तक ही है। और यहाँ पे देख सकते CCU कैंपस में 12वीं में जो भी रजिस्ट्रेशन कराना है उसको UG में एडमिशन के लिए वो फटाफट BA BSc BCOM में एडमिशन करा पाएंगे। यहाँ पर दूसरी ओपन मेरिट लिस्ट के लिए भी यहाँ पे देखिए प्रवेश समय भूपेंद्र ने बताया कि 27 तक रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसका जो दूसरी ओपन मेरिट लिस्ट को ओपन मेरिट लिस्ट ऑपरेटर कॉलेज में जमा करना होगा। ये एडमिशन की प्रक्रिया है दोस्तों। तो हमने आप सभी के सामने ये शेयर किया दोस्तों कि 27 को UG का 27 तक जो है UG का दोबारा रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के बाद जो भी है उसका ओपन मेरिट लिस्ट जारी होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं BA LLB BCOM LLB जो भी हैं उसका रजिस्ट्रेशन आज अंतिम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, हम आप सबके सामने नेक्स्ट पेपर कटिंग शेयर करते हैं। नेक्स्ट पेपर कटिंग यहाँ पे देखते हैं कई कोर्सों का रिजल्ट जारी। देखते हैं BPSC प्रथम सेमेस्टर 2020 का रिजल्ट विभिन्न रविवार को जारी कर दिया गया। इसके अलावा MSc मेडिकल माइक्रो द्वितीय सेमेस्टर, मतलब जो भी हैं आप यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको रीड करके समझ पाएंगे। और एक और दोस्तों की देख सकते हैं 23 तारीख को भी जारी किया गया था जो कि हम आप सभी के सामने उस दिन शेयर नहीं कर पाए। इसमें यह कह रहा है कि जो भी दोस्त लोग 12th में प्रमोटेड थे बट उसका रजिस्ट्रेशन प्रमोटेड की वजह से नहीं हो पाया था, तो वो जो है अभी आप प्रमोटेड हैं तो अपना आवेदन कर सकते हैं UG के लिए। और जैसे ही आपका जो है यहाँ पे स्नातक में पाठ्यक्रमों के लिए जो भी कोर्सेस यहाँ पे दिया गया उसमें एडमिशन करा पाएंगे। और एडमिशन कराने के यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद
आपको जो सेकेंड ओपन मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम होगा, ये नोटिस में इसमें कहा जा रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिलहाल जो जानकारी दोस्तों हमने आप सभी के सामने स्टेप बाय स्टेप शेयर किए, उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। और इसी तरह का जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे वीडियो पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बता दें कि इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप सभी के सामने जो भी जानकारी दोस्तों शेयर करते हैं वो 100% करेक्ट होता है और सबूत के साथ होता है। तो आप इस वीडियो पर बने रहेंगे और डेली न्यूज़ प्राप्त करते रहेंगे। अब यहाँ पे हम बात करने वाले दोस्तों कि डेली जानकारी को रीड करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, यानी कि आप सभी के सामने हम वेबसाइट शेयर कर रहे हैं, जो कि myfastinfo.com के नाम से है। और इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ओपन कर लेंगे। ओपन करने के वैसे इस वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, इस तरह से ओपन करेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जितने भी अपडेट होते हैं थोड़ा बहुत एडुकेशन से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, CCSU से रिलेटेड, वो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने को मिलता है। तो हम चाहेंगे कि आप इस पे विजिट करना ना भूलें। और फिलहाल जो जानकारी दोस्तों हमने आप सभी के सामने शेयर किया और इस वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, उम्मीद है कि आप इस पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डेट की ओर, धन्यवाद।